हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार इंजीनियर्स स्टडी क्लासेज में। आज का एक ऑफिशियल अपडेट आया है, रिजल्ट। किसमें रिजल्ट आया है? एमपी पीजीसीएल रिजल्ट आउट हुआ है, उसके बारे में हम लोग पूरी चर्चा करेंगे। जेई और एई की जो वैकेंसी थी, जिसमें बीटेक, डिप्लोमा, आईटीआई जो भी पोस्ट पे था, उसका रिजल्ट आउट हो चुका है ऑल पोस्ट के लिए। तो चलिए हम लोग ऑफिशियल साइट पर चलते हैं। इसका लिंक के लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, वहाँ पे हम पूरा पीडीएफ और लिंक प्रोवाइड कर दिए हैं। जैसा कि हम लोग दोस्तों एमपी पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड की ऑफिशियल साइट पे आ चुके हैं, कैरियर वाले सेक्शन को आप लोग ओपन कीजिएगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, सबसे नीचे आइएगा, नोटिस रिगार्डिंग लिस्ट ऑफ कैंडिडेट प्रोविजनली शॉर्टलिस्टेड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट फॉर द पोस्ट कोड। यहाँ पर पोस्ट कोड देख सकते हैं 001, 003, 0014 तक एंड 0015। आप लोग मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, एक बार फिर से मैं बता देता हूँ। यहाँ जो नोटिस रिगार्डिंग फर्स्ट पेज वाला है, वो शॉर्टलिस्टेड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ कंप्यूटर बेस्ड, जो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हुआ था उसका है। दूसरा नोटिस है नोटिस रिगार्डिंग लिस्ट ऑफ परमिटेड ट्राइब कैंडिडेट अंडर शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी प्रोविजनली शॉर्टलिस्टेड, यानी जो दूसरा नोटिस है वो आपका सीबीटी वाला नहीं है। तो चलिए फर्स्ट पेपर को हम लोग डाउनलोड कर लेते हैं। जैसे फर्स्ट में डाउनलोड किए हैं, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं किनका किनका आया है जो सीबीटी के मोड में आए हैं। असिस्टेंट इंजीनियर जो बीटेक वाले अप्लाई कर सकते हैं, असिस्टेंट इंजीनियर, मैनेजर, सिविल, ये सब बीटेक वाले के लिए था, बीटेक से ऊपर एमटेक ये सब वाले के लिए था। यहाँ पर नंबर ऑफ कैंडिडेट 13 सेलेक्ट हुए हैं, 41 सेलेक्ट हुए हैं। यहाँ पर आप लोग पीडीएफ के माध्यम से इस पर क्लिक करके देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल वालों के लिए। यहाँ जो देखिए, इसमें सीबीटी नहीं दिया गया है। जो आप लोग सीबीटी दिए थे इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल जो जूनियर इंजीनियर के लिए, यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे कहीं भी जिक्र सीबीटी मोड का नहीं होता, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का। तो जो जो सीबीटी मोड दिए थे जिनका 85-80 नंबर आ रहा है, तो वो अभी निश्चित रहें, उनका जल्द ही 3-4 दिनों में भी आ जाएगा आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन, उसमें नंबर ऑफ कैंडिडेट ज़्यादा होंगे। यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे वैकेंसी तो 200 के लगभग में, इलेक्ट्रिकल में देखिए 12 ही दिया गया है, मैकेनिकल में 7, सिविल में 4। तो आप लोग बिल्कुल दिक्कत नहीं ले, यहाँ पर सीबीटी का कहीं भी जिक्र नहीं है। तो चलिए हम लोग इलेक्ट्रिकल का जिक्र कर लेते हैं, जिनका जिनका सिलेक्शन हुआ है किसके बेसिस पे। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यह सीबीटी मोड का बेसिस पे नहीं हुआ, ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। लिस्ट ऑफ प्रिमिटेड टाइप ट्राइब कैंडिडेट अंडर शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी वालों के लिए प्रोविजनली सॉलिड लिस्टेड, और कौन कौन में सॉलिड किया गया हम लोग देखते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रिकल वालों का हम लोग पीडीएफ डाउनलोड कर लेते हैं, उसके बाद आपको बताते चलते हैं। इन सभी पोस्टों पर एक बार फिर से मैं चर्चा कर देता हूँ, इन सभी पोस्टों पर अभी जो आपने सीबीटी मोड दिया था बहुत सारे बच्चों ने, उनका रिजल्ट नहीं आया, उनका रिजल्ट जल्द ही प्रकाशित किया जाएगा। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको जो भी नोटिफिकेशन है आपको सबसे पहले और सबसे ऑथेंटिक तरीके से मिले। यहाँ पर देख सकते हैं इन सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। यहाँ पर अपना अपना अजय कुमार बैगा, गोविंद बैगा, त्रेंद्र मारवी, यहाँ पर इनका कैटेगरी देख सकते हैं, बैगा कैटेगरी है। और किस डिस्ट्रिक्ट से, मंडला, उमरिया, संडाल, ये सब डिग्री है, सॉरी डिस्ट्रिक्ट है। और कौन कंपनी अलॉटेड हुआ, जैसे हम लोग जानते हैं पीजीसीएल में बहुत सारी कंपनी थी, तो यहाँ पर आप लोग वहाँ जाके अपना अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा सकते हैं। और कोई भी डाउट होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा प्यारे बच्चों, हम आपके डाउट का सोल्यूशन ज़रूर यहाँ पर अपडेट कर देंगे। कोई भी डाउट, एक बार फिर से मैं बता दूँ, ये सीबीटी वालों का रिजल्ट नहीं है, ये सारा रिजल्ट प्रिमिटेड ट्राइब कैंडिडेट ऊपर ही लिखा गया है। जो फर्स्ट असिस्टेंट इंजीनियर बीटेक वालों के लिए, वहाँ पर सीबीटी मोड का रिजल्ट आ चुका है। तो आप लोग बिल्कुल टेंशन नहीं लें, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सिविल का भी सीबीटी मोड में जो एग्ज़ाम हुआ था उसका भी रिजल्ट जल्द प्रकाशित होगा। यही आपको अपडेट देनी थी। अपडेट अच्छी लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में।